मुंबई पे आते ही बारिश से स्वागत हो गया दोस्तों मेरा। यहाँ पे बहुत जोर से हवा आती है यार, भाई बरे बाबा टाइट्स वगैरह आ रहे हैं देखो। ओ फुल मस्ती। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है मेरा नासिक में आखिरी दिन है, आज मैं यहां से निकलने वाला हूं मुंबई। तो अभी पूरा नहा धो के फ्रेश हो चुका हूं तैयार, और यहां पे सब कुछ सामान जो है मैंने फुल कर दिया, यहां पे भर दिया है। तो अभी 10 बजे यहां से निकलूंगा, अभी 9 बजे है और 1 घंटे तक यहां पे हूं, और सर लोग जो है मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। बाय बाय रूम। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे यहां से। चलिए अभी मैं बाहर आ गया हूं, जाने के लिए बिल्कुल रेडी। तो यहां पे छपुत सर जो है ऊपर में मुझे व्यू दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं। अभी बिल्कुल टॉप पे आए हम लोग, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है झंडा लहरा रहा है। अब तक आप लोग जो है वहाँ से वीडियोस देखते थे मेरे, देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, पूरा कैंपस दिखता है यहाँ से। जय हिंद। बढ़िया है। ये कौन सी क्लास है सर? 11th। अच्छा बढ़िया है। सभी लोग मिस करेंगे। काफी एनर्जी है, हालांकि सभी जो है पोजी की तैयारी कर रहे हैं तो एनर्जी तो बनता है। अभी हम आधे रास्ते पे पहुंचे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, वड़ा पाव? अच्छा साबुदाना वड़ा। अच्छा तो यहाँ से हम टेस्ट करके देख लेते हैं। उसे मुझे भूख तो नहीं है, बस एक टुकड़ा टेस्ट करूंगा मैं बस। अरे गर्म है। वाह साबुदाना। ये साबुदाना किससे बनती है जानते हैं सर? हमारे उधर में खेत होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सिनी आलू, हाँ उसी से बनती है साबुदाना। हाँ अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पार्किंग पे रख दिया है कार, तो अभी चलते हैं। हाँ धन्यवाद, थैंक यू, फिर से आएंगे नासिक में। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज आप लोग को फनी थिंग बता देता हूँ, जो नासिक रेलवे स्टेशन है उसमें नासिक रेलवे स्टेशन नहीं लिखा है, नासिक रोड लिखा हुआ है। भाई साहब मुझे मतलब कंफ्यूजन हुआ था शुरू में, ये देख सकते हैं नासिक रोड लिखा हुआ, ऊपर में भी ऐसा है, नीचे में भी वैसा है। अभी मेरा ट्रेन आने वाला है दोस्तों, तो जा रहे हैं अभी, सर लोग मुझे छोड़ने आए हैं, तो D6 पे आएगा मेरा नंबर। अभी तक हम D12 पे ही पहुंचे हैं, तो अभी आगे चल के देख लेंगे। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो छपुत सर लोगों को जो है ठीक से बाय भी नहीं बोल पाया, क्योंकि ट्रेन जो है काफ़ी हड़बड़ी में थी, लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो सब लोग चले गए हैं। तो अभी मैं जाऊंगा मुंबई की तरफ, जा रहा हूँ मैं मुंबई शहर की तरफ में दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत जगह है, झरने वगैरह मुझे दिख रहे हैं रास्ते पे, और इधर में ट्रेन भी दिख रहा है, और बारिश की वजह से यहाँ पे देखिए एक रेड सा केकरा भी निकला है, काफ़ी क्यूट सा केकरा है। और मुझे भूख लग रहा था तो मैंने जामुन ले लिया 10 रुपये के। फाइनली दोस्तों 4 घंटे तक जो है ट्रेन में जर्नी करने के बाद अभी पहुंचे हम लोग CSMT। तो अभी यहां से उतरना पड़ेगा, यहां से मुझे भूख लग रहा है, सबसे पहले मैं जाऊंगा खाने के लिए, यहां पे एक रेस्टोरेंट है वहां पे खाएंगे, उसके बाद होटल बुक करेंगे। तो चलता हूं अभी। अभी उतर गए हैं हम, यहां से मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा बाहर, एक रेस्टोरेंट है मैंने पहले खाया था छपुत सर के साथ जो है, ये फरहांग नाम का, तो वहाँ पे जाके मैं बिरयानी खाऊंगा, उसके बाद होटल पे जाऊंगा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा कहीं पे घूमने के लिए। सबसे पहले लेस खुल गया यार, लेस बांध लेता हूँ। मैं बाहर तो आ गया हूँ फरहांग रेस्टोरेंट, लेकिन बंद है यार, आज ईद है या एकादशी दोनों है, तो हिंदुओं के लिए भी है मुसलमानों के लिए भी है, तो शायद उस कारण बंद है। तो अभी मैं क्रॉस हो जाता हूँ जब तक रेड लाइट है। चार नंबर पे, हाँ तो अभी 14 नंबर वाले माले पे है रूम, वहाँ पे बैग रखूँगा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद होटल की तलाश पे जाऊँगा। भूख लग रहा है यार। उफ।
यहाँ से जो है मुझे अभी रूम बुक करना पड़ेगा भैया के इधर से। पता नहीं कौन सा वाला रूम है, पहले जब आया था मैं इस वाले रूम पे ठहरा था, अभी पता नहीं कौन सा वाला मिलेगा, देखते हैं कौन सा वाला रूम खाली है अभी। 101 अच्छा मैं उसी में ठहरा था क्या, और तू में ठहरा था मैं। फाइनली दोस्तों अभी रूम पे आ चुका हूँ, तो ये रूम का तौर थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पे रहा बेड, डबल बेड है, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, फैन भी है, एसी भी है, और यहाँ पे शीशा एक है, और टीवी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी महंगे हैं, मुझे इसके जो है 24 घंटे के 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ इस रूम पे मुझे 3 दिन रहना होगा, पूरे मुंबई पे जो है मैं 3 दिन रहने वाला हूँ। उसके बाद जो है मैं 3 तारीख का मेरा फ्लाइट है, 3 तारीख का रात को 10 बजे है, तो उसी दिन में मैं छोड़ दूँगा रूम को। तो टेक्निकली वैसे बोला जाए तो 4 दिन हूँ यहाँ पे मुंबई में, लेकिन रूम पे जो है मुझे 3 दिन ही सोना पड़ेगा। तो यहाँ पे शीशा भी है, तो अभी फ्रेशअप होना पड़ेगा। एक्चुअली जो है मुझे भूख लग रहा है, तो जो एक होटल था मस्त वाला रेस्टोरेंट वो भी बंद पड़ा है, तो देख लेते हैं अभी दूसरा वाला, तो वहाँ पे खाएंगे। अभी मैं फ्रेशअप भी हो चुका हूँ दोस्तों, तो जो मैं नासिक से खरीद के लेके आया था ना वही ड्रेस लगाया हूँ। ये नीचे पैंट देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सेम कलर की हो गई है, और ऊपर में ये वाला शर्ट लगाया हूँ, तो जैकेट लगा लिया। तो अभी एक्चुअली मुझे भूख लग रहा है, सबसे पहले जाऊँगा मैं खाने के लिए, उसके बाद जाऊँगा मैं थोड़ा बहुत मरीन ड्राइव पे घूमने जाऊँगा, क्योंकि आज ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, ज़्यादा रात हो जाएगी, तो मरीन ड्राइव पे थोड़ा सा शाम का मज़ा लूँगा। अभी निकल चुका हूँ अकेले अकेले, भूख लग रहा है यार बहुत जोर से। लिप्त हुआ कहाँ गया, नीचे गया ना ऊपर गया, आ रहा है। लिप्त को देखो, लिप्त का हालत क्या हो गया, देखो ना लिप्त का हालत, दे दीजिएगा। हाँ यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी होटल पे भूख लग रहा है, यहाँ पे सलाद, बढ़िया सा सलाद और चिकन मसाला। मुंबई से जब से मैं नासिक में गया था वहाँ तक मुझे मतलब सादा चावल वगैरह नहीं मिल रहा था, दोरा पाव वगैरह, मतलब जो एक आदमी है वहाँ पे तो मिल रहा था, लेकिन उसमें भी नमक वगैरह मिलाते थे, लेकिन यहाँ पे सादा चावल मैंने मंगाया है, साथ में जो है चिकन एंड डिश सलाद। तो अभी इसी के साथ करते हैं हम अपना लंच, उसके बाद जाएंगे मरीन ड्राइव घूमने के लिए। अभी पेट भर के खा लिया दोस्तों, पूरा फुल खाया, आज थोड़ा सा मसाले कम वाले थे, सलाद वगैरह थी, 520 रुपये का बिल आया। तो अभी सोच रहा हूँ मैं सबसे पहले इंडिया गेट की तरफ जाऊँ या फिर मरीन ड्राइव जाऊँ, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, शाम का वक्त जो है मरीन ड्राइव पे मस्त नज़ारे होंगे, देखने लायक नज़ारे को, बहुत सारे लोग भी गए होंगे, तो वहाँ पे जाने से सही होगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले। मुंबई की सड़कों पे अकेले अकेले घूम रहा हूँ दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, तो अभी मैं एक्चुअली टैक्सी का वेट कर रहा हूँ मरीन ड्राइव जाने के लिए। अगर मैं उबेर वगैरह बुक करता हूँ काफ़ी उसमें पैसे लग जाएंगे, तो ऑटो पे जाना ही बेहतर होगा। मुझे अभी टैक्सी मिल चुकी है, तो अभी सीधा मैं जाऊँगा मरीन ड्राइव। एक्चुअली मैं सोच रहा था पहले इंडिया गेट पर चलता हूँ, उसके बाद वहाँ से टैक्सी पकड़ लूँगा, बस चलने का मन नहीं कर रहा है अभी बिल्कुल भी, तो अभी सीधा मरीन ड्राइव चलेंगे। अभी शाम में मज़ा आएगा, वहाँ पर काफ़ी लोग भी आए होंगे, काफ़ी लोग होंगे ना। अच्छा चलते हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है SBI का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे इस एरिया पे काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह है, तो SBI का जो है देख सकते हैं कितना ऊंचा है, एंड यहाँ पे आगे में भी और है बहुत सारे, एयर इंडिया का ऑफिस वगैरह सब कुछ जो है, और यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल का बंगलो वगैरह है ना, ये जो है मंत्रिमंडल का बंगलो है पूरे महाराष्ट्र का। एंड अभी आगे थोड़ी दूर पे है जुहू बीच, और सॉरी आपका मरीन ड्राइव, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे जो है एयर इंडिया का ऑफिस है दोस्तों, और यहीं पे सामने में जो है आपका मरीन ड्राइव मिल जाएगा, और वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स वगैरह, तो काफ़ी सारे लोग हैं देख सकते हैं, आज तो पूरा फुल भरती है, मरीन ड्राइव फुल है आज। यहाँ पे बहुत जोर से हवा आती है यार, भाई बरे बाबा, टाइट्स वगैरह आ रहे हैं देखो, फुल मस्ती। यहाँ पे जो है बहुत हवा जोर जोर से आती है, तो वीडियो बनाना भी मुश्किल हो गया यार, इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मतलब हवा की आवाज इतनी जोर से आएगी ना, तो मैं उस साइड पे तो गया था पहले, तो अभी जो है आगे जाके देखता हूँ, पूरा फुल पब्लिक है आज। आज मतलब पता चला कि ये मतलब इतना पॉपुलर क्यों है, यहाँ पे पूरा फुल पब्लिक है। अभी आप लोग को ऊपर चढ़ के एक बार दिखा देता हूँ कितनी पब्लिक है, यहाँ से लेके
उधर तक जो आपको मरीन ड्राइव का एंड मिल जाएगा, वहां से लेके पूरा यहां से पूरा फुल जहां तक एंडिंग हुई है ना, जहां तक एंडिंग हुई ऐसे कर्विंग है तो सेमी सर्कल टाइप का, तो वहां तक जो है लोग पूरा फुल भरते हैं आज। और स्पेशली कपल्स वगैरह ज़्यादा आते होंगे, लेकिन हम तो अकेले अकेले आए हैं। तो ड्राइवर भाई अभी मतलब हम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि लड़की लाना चाहिए था, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो जेरिको लाते तो मज़ा आ जाता, बट आएंगे हम लोग, फिर से आएंगे, जेरिको भी लेके आऊँगा। बट यहाँ आने से उन लोग को खान पान में बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर पाता हूँ। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा समुद्र का नज़ारा है और समुद्र के सामने ही यहाँ पे शहर है, पूरा शहर बसा हुआ है, मुंबई शहर। और यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक कितनी सारी आई हुई है, क्योंकि बहुत फेमस है, यहाँ पे फिल्में वगैरह शूटिंग होती है। उस जगह पे जो है मुन्ना भाई MBBS का शूट हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा एंड तक कितनी पब्लिक लाइन लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी देर बैठ लिया मैं, और एक यहाँ पे मिला था बंदा, उसी से मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया, क्योंकि अकेले आया हूँ तो थंबनेल वगैरह के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। तो अभी थोड़ा सा और बैठूंगा, थोड़ा सा यहाँ की हवा लेंगे, मरीन ड्राइव की हवा, और जो है उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन वेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं टाइम है अपने पास तो। लेकिन जुहू भी जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए मुझे कल का वेट करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए इतना फेमस है, इतने लोग आते हैं ना यहाँ पे। हेलो हेलो, जितने भी लोग देते हैं हाय हेलो करते रहते हैं, लोग मुझे मतलब देखते हैं, सब शायद पूछना चाहते होंगे कि आप ब्लॉगर हो वगैरह वगैरह, बट पूछने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, अभी बैकग्राउंड में कैप्चर हो जाते हैं, जब मैं वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा हूँ ना तब मुझे मतलब वो नोटिस हो जाती है कि मतलब कोई लोग देख रहे होते हैं, हाय हेलो वगैरह कर रहे होते हैं। तो अभी चलते हैं। हेलो, बच्चे खेल रहे हैं देखो मरीन ड्राइव में। एक दिन हम लोग भी आएंगे पूरा फैमिली के साथ, यहाँ पे बच्चे खेलेंगे, हमारे बच्चे, जेरिको भी साथ में लेके आऊँगा, तब मज़ा आएगा। हेलो, अभी तो बारिश भी शुरू होने वाली है, बिल्कुल काले काले बादल आ चुके हैं। उधर में थोड़ा सा लोग कम है, लेकिन इस साइड में उस पार में है ना, उधर ज़्यादा लोग हैं, पूरा भरती है आस। बारिश हो चुकी है शुरू, सारे लोग जो इधर से दौड़ रहे हैं अभी। एक्चुअली इसमें एक दिन सतमंत से बारिश आने पर रुकने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है, तो रुक लेते हैं अभी यहाँ। अंकल CST चाहेंगे? 200 रुपया लेंगे। 100 में नहीं होगा? मैं अकेला हूँ। हाँ अभी 100 में ही आया था उधर से। आओ एक दो और बैठा लेंगे भाई। अच्छा चलिए। अभी मैंने फटाफट से टैक्सी पकड़ लिया है दोस्तों, और यहाँ पे फोन पे जेरी से बात हो रही है, वो भी आना चाहती है। जेरी आओगे? ये देखो ये भी आएगी बोल रही है, बहुत मन है बोल रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है बारिश का बाद आती है, भरोसा नहीं, अभी मानसून का वक्त आ चुका है, तो अभी जाएंगे रूम पे आराम से सोएंगे, वीडियो एडिट वगैरह करेंगे। चल चलो चलो, कुछ नहीं होगा। बारिश बारिश पे बारिश बारिश, बाप रे, पूरा गीला हो गया, मैं भीग गया दोस्तों। बट जाना ही पड़ेगा मुझे, रूम पे जाके ही रेस्ट करूँगा। अभी मूवी भी देखने का मन था मुझे, बट नहीं हो पाएगा, बहुत बारिश हो रही है, नहीं जाऊँगा अभी। मुंबई पे आते ही बारिश से स्वागत हो गया दोस्तों मेरा, पूरा बारिश में भीग भीग के आया, और मेरा रास्ता जो है खो गया था, गूगल मैप पे देख देख के आया, टैक्सी वगैरह में जो आधे रास्ते तक छोड़ा था वो CST के थे, वहाँ तक वहाँ से मुझे पैदल आना था, तो बहुत तकलीफ से आया। तो अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगा। अभी काफ़ी देर तक रेस्ट कर लिया दोस्तों, अभी थोड़ा सा बाहर जाके बाहर का नज़ारा देख लेता हूँ, और डिनर विनर भी करना पड़ेगा मुझे, तो देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं डिनर के लिए। तो अगर वहाँ पे अच्छा लगा तो वहाँ पे खाऊंगा, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो बिरयानी पैक करके रूम पे लाके खाऊंगा मैं। बाहर आया था मैं डिनर के लिए, बट पूरा बारिश ही बारिश हो रही है। अभी मैंने ले लिया है दोस्तों बिरयानी हाफ प्लेट, एंड पानी वगैरह ले लिया है, और आइसक्रीम ले लिया है। वैसे तो बारिश में भीगने के कारण मेरा सर दर्द देने लग गया, बट फिर भी आइसक्रीम खाने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है।
तो इसलिए ले लिया। अभी रूम पे पहुंच चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आते ही मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। वैसे सर दुख रहा है फिर भी खा रहा हूँ, खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अभी रात के 11 बजे है दोस्तों, मैंने वीडियो को लगभग एडिट कर लिया 90% तक। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी को एडिट करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले मैं डिनर करूंगा बिरयानी के साथ, उसके बाद वीडियो को पूरा एडिट करके सो जाऊंगा। यहाँ पे मेरा बिरयानी देखिए दोस्तों, इसका जो है मुझे पे करना पड़ा 168 रुपीज। तो यहाँ पे बिरयानी है, इसके साथ ग्रेवी भी दिया गया है, और यहाँ पे जो है मुंबई में ये हमेशा मस्ट नेसेसरी है हर खाने पे, जो ये दिया जाता है जिसे रायता कहा जाता है, और साथ में प्याज वगैरह भी दिए, और पैकेजिंग का भी मस्त है। तो 168 वर्थ इट है, बट हमारे हिसाब से बहुत महंगा है हमारे उधर के हिसाब से, बट चल जाता है, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है मुझे, प्रीमियम सा एकदम लुक। बिरयानी के साथ अपना डिनर करते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है यहाँ के जो बिरयानी वगैरह, एक नंबर। अभी मेरा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो आज उतना इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वगैरह नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे पास बहुत ही टाइम कम था, मैं और ऊपर से बारिश हो गई थी, तो बारिश नहीं होती तो और भी मतलब दूसरी जगह पे जाके मैं दिखा देता, बट कोई बात नहीं, हम कल कोशिश करेंगे, कल जो है जुहू बीच जाने का कोशिश करेंगे, अगर बारिश नहीं होती है तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। जो है कल जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह उनका घर का जो टूर है वो करेंगे हम, तो देख लेते हैं अभी। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।